देश की जानकारी में नहीं है, मैं खुलासा कर रहा हूँ अभी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने 98 में, दूसरी बार बने, पहले बार तो 13 दिन का था, दूसरी बार बने 98 में, उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन की घोषणा की। अटल जी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस M.N. वेंकटाचलैया इसकी अध्यक्षता करें। वेंकटाचलैया जी मान गए, तब उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया इस समीक्षा समिति का, और समीक्षा समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पहले नंबर पर था टू एग्जामिन मूवमेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो ढांचा है संविधान का उसको बदलने की प्रयास की गई। आप जानते नहीं हैं, मैं अभी पहली बार कह रहा हूं, वेंकटाचलैया जी ने कहा अगर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेगा मैं इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको मनाने की कोशिश की गई पर वो माने नहीं, तो तब एक नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रकाशित किया गया जिसमें जो पहले कहा गया था मूव फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको हटाया गया। इसकी जानकारी मुझे खुद वेंकटाचलैया जी ने दिया है दो बार, वो आज भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और उन्होंने दो बार मुझे कहा है कि ये प्रयास की गई, जब संविधान की समीक्षा के नाम पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई। आज जो अभी अभी कन्हैया कुमार ने कहा है, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर आक्रमण कर रहा है, बड़ा अद्भुत है, ये कभी नहीं हुआ हमारे देश में कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर रोज आक्रमण कर रहा है। आज सुबह भी आक्रमण है, मैंने अभी अभी देखा कि न्याय मंत्री, बड़ा अन्याय है कि हमें ऐसा न्याय मंत्री मिला है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता हमारे देश में। और न्याय मंत्री ने अभी चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि कलीजियम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नुमाइंदे होने चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर न्यायालय और सरकार के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में